सभी विद्यार्थी आज की इस क्लास में एक जो आपका महत्वपूर्ण लेसन पोएट्री का है जिसमें आपका फर्स्ट लेसन जो पोएम दी गई है कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ इसके बारे में स्टडी करेंगे कि कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ है क्या बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जीवन में हर व्यक्ति हैप्पी होने के लिए ही सोचता है बट हैप्पी हो नहीं पाता मतलब खुशहाल कैसे रहे उसी के बारे में इस कविता में दिया गया है तो सर हेनरी ओटन इस पोएम के कंपोज़र है मतलब पोएट है तो आप लोगों को दोनों चीज़ें लर्न रहना है, बहुत ज़रूरी है कि आप चैप्टर का नाम और पोएट का नाम दोनों लर्न रखें क्योंकि यही आपके रेफरेंस में काम आता है जैसे रेफरेंस आपकी इस वर्ष आपके टेन मार्क्स का मतलब टोटल रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन रहेगा तो इसको आपको लर्न करना है मतलब हम जैसे कहते हैं अगर एक लेसन आप तैयार करते हैं तो सेंट्रल आइडिया प्लस आपका रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट मिला के जो सात और दस मतलब लगभग सेवेंटीन मार्क्स आपका तैयार होता है तो आपको इसको ध्यान में रखना है तो थोड़ा सा हम लोग राइटर के बारे में जानते हैं जैसे लिखा गया अबाउट द पोएम अबाउट द पोइट लिखा गया सर हैनरी वुटन अ फेमस स्कॉलर एंड क्रिटिक ऑफ सेवनटीन्थ सेंचुरी तो थोड़ा सा वर्ड मीनिंग केवल आपको बताएंगे राइटर लिखा गया है प्रसिद्ध स्कॉलर मतलब विद्वान है क्रिटिक मतलब आलोचक हैं और कब के हैं ये सेंचुरी मतलब सत्रहवीं शताब्दी के हैं जैसे इस समय कौन सी शताब्दी चल रही तो है इक्कीसवीं तो ये सत्रहवीं शताब्दी के हैं वाज बार्न इन फिफ्टीन सिक्सटी एट और पंद्रह सौ अड़सठ में पैदा हुए ही वाज एजुकेटेड एट विंस्टर एंड इंटर द मिडिल टेम्पल टू क्वालिफाई फॉर प्रैक्टिसिंग एट द बार प्रैक्टिसिंग एट द बार का मतलब हो गया वकालत भी इन्होंने सीखा ठीक है तो इसीलिए बार कहा गया यहाँ पर ही वॉज नॉट ओनली अ पोएट बट आल्सो अ डिप्लोमेट डिप्लोमैट मतलब होता है राजनेता मतलब ये केवल कभी ही नहीं थे बल्कि क्या थे डिप्लोमैट भी थे सो ही वॉज मेड एजेंट एंड सेक्रेटरी टू द अर्ल ऑफ एसे अर्ल ऑफ एसे मतलब इज अ प्लेस जहाँ पर इन्हें सेक्रेटरी और क्या बनाया गया एजेंट मतलब प्रतिनिधि बनाया गया ही वॉज एम्बेसडर एट द कोर्ट ऑफ बेनिस बेनिस की कोर्ट में अम्बेसडर थे ही वॉज ऑल्सो एम्प्लॉयड ऑन वेरियस एंड डिप्लोमेटिक मिशन फ्राम सिक्सटीन हंड्रेड फोर टू सिक्सटीन हंड्रेड ट्वेंटी फोर मतलब इन्हें विभिन्न मिशन पर भेजा गया था डिप्लोमेटिक मतलब जैसे कहा गया विदेशों से संबंध बनाने के संदर्भ में जॉन डन एंड जैक वाल्टन फेमस राइटर्स ऑफ द टाइम मतलब इन्हीं के समय के जॉन वाल्टन भी थे जॉन डन भी थे बर हिज नॉटेबल फ्रेंड्स और इनके मतलब जैसे कहा गया प्रसिद्ध मित्र थे हिज फेमस राइटिंग आर द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ ऑन हिज मिस्ट्रेस द क्वीन ऑफ बोहमिया एंड ब्यूटीज ऑफ द नाइट तो थोड़ा सा हम केवल पोइट के बारे में स्टडी करते हैं बस इतने सी मतलब होता है क्योंकि आपको केवल राइटर का नाम लर्न रहना चाहिए चैप्टर का नाम इसके बाद अबाउट द पोए पोएम पोएम में केवल आपको क्या दिया गया है कि केवल इतना दिया गया है कि हम खुश रहने के लिए क्या क्या करते हैं अथवा एक खुशहाल व्यक्ति जो इमेजनरी कैरेक्टर है उसके बारे में क्या दिया गया है देखिए जैसे लिखा गया है अकॉर्डिंग टू द सर हेनरी ओटन द लाइफ ऑफ अ ट्रूली हैप्पी मैन इज मार्क्ड बाय ट्रू फ्रीडम ऑफ थाट मतलब कि हेनरी ओटर के अनुसार जो एक सच्चे खुशहाल आदमी का लक्षण है वो क्या है ट्रू फ्रीडम ऑफ थाट मतलब विचार की वास्तविक स्वतंत्रता है राइटनेस ऑनेस्टी ट्रुथ सिंपलसिटी फेथ केयरफ्रीनेस एंड सेल्फ कंटेंटमेंट मतलब इस इतने उसके लक्षण क्या है राइटनेस ऑनेस्टी ट्रुथ सिंपलिटी फेथ केयरफ्रीनेस एंड सेल्फ कंटेंट ही इज ऑलवेज फ्री फ्रॉम जेलसी वो हमेशा ईर्ष्या से मुक्त रहता है इल बिल मतलब बुरे विचारों से एंड वर्डली और ये दुनिया का जो सारा तनाव होता है इससे मुक्त रहता है ईश्वर की प्रतिदिन प्रार्थना करता है He none, और किसी की क्या नहीं करता जलन नहीं करता ठीक ही पासिस हिस्स टाइम इन द कंपनी ऑफ गुड बुक अच्छी किताबों के बीच अपना समय बिताता है आर अ गुड फ्रेंड अथवा अच्छे मित्रों के बीच ही इज द लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ वो अपना खुद का स्वामी होता है एंड मास्टर ऑफ आल और सबका मालिक होता है ही सर्वेस ही में पुअर बट ही इज ऑलवेज ग्रेट यद्यपि कि वह गरीब होता है लेकिन नैतिक रूप से मॉरली वो हमेशा क्या होता है महान होता है तो यहां पर दिया गया हम केवल आपको अबाउट द पोएम बताए हैं और राइटर के बारे में बताए हैं अब इसके आगे हम लोग टेक्स्ट की स्टडी शुरू करते हैं कि हमारे टेक्स्ट में क्या दिया गया अब यहाँ पर आप टेक्स्ट चलते हैं देखते हैं जैसे लिखा गया है हाउ टॉट दैट सर्वथ नॉट एमदर्स बिल हुज आर्मर्स इज हिज ऑनेस्ट थाट एंड सिंपल ट्रुथ हिज अट मोस्ट स्किल यहाँ पर हम एक एक लाइन मतलब जो एक एक स्टेंजा है आपका वहां से आप लोग मीनिंग समझते हुए चलेंगे जैसे लिखा गया हाउ हैप्पी इज ही बार मतलब कि जन्म से या शिक्षा से वह व्यक्ति कितना प्रसन्न है ठीक है जन्म से या शिक्षा से वह व्यक्ति कितना पसंद है मतलब खुश है कह सकते हैं कौन मतलब कैरेक्टर ऑफ हैप्पी मैन That serves not will, जो दूसरों की इच्छा का अनुसरण नहीं करता मतलब जो दूसरों की इच्छा का अनुसरण नहीं करता वह जन्म या शिक्षा से कितना क्या होता है खुश होता है आर्मर्स मतलब armors, मतलब होता है अच्छा कवच मतलब जिसका रक्षा कवच या जिसकी रक्षा कवच उसका क्या होता है ईमानदार विचार होता है एंड सिंपल ट्रुथ और जो सरल सत्यता है इज हिज मोस्ट स्किल वही उसकी क्या है सबसे बड़ी कुशलता है मतलब जो साधारण सत्यता है उसकी सबसे बड़ी क्या है कुशलता है तो अब यहां पर फिर से आप तो लोग चलते हैं देखें हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आट ऑर्ट ठीक है वह शिक्षा अथवा जन्म से कितना खुश है जो दूसरे की इच्छाओं का दास नहीं है हुज आर्मर्स इज हॉनेस्ट थाट जिसका रक्षा कवच उसका ईमानदार विचार है एंड सिंपल ट्रुथ हिज मोस्ट स्किल और जो सिंपल सच्चाई है मतलब साधारण सच्चाई है वही उसकी क्या है सबसे बड़ी कुशलता है तो ये आपका पहला स्टैंडा हो गया दूसरे स्टेंजर पर चलते हैं लिखा हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर सोल इज प्रिपेयर्ड फॉर डेथ द वर्ल्ड विथ केयर ऑफ प्रिंसली लव आर वलगर ब्रेथ अब देखिए लिखा हुज पैशंस मतलब सच्चा व्यक्ति या ईमानदार व्यक्ति मन की तीव्रता हुज पैशन्स पैसन मतलब मन की भावना होती है भावना में आपका क्या आता है जैसे क्रोध भय ईर्ष्या जलन ठीक है के नियंत्रण में नहीं रहता है नॉट हिज मास्टर्स आर ठीक है ये चीजें उसका मालिक नहीं होती हैं अर्थात वह अपनी भावनाओं को अपने बस में रखता है हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ और जिसकी आत्मा हमेशा किसके लिए तैयार होती मरने के लिए तैयार होती मतलब मरने के लिए वो हमेशा क्या होता है उसकी आत्मा रेडी रहती वह लिखा गया, वह सांसारिक चिंताओं से परेशान नहीं रहता अनटाइड मतलब मुक्त होता है अन टू द वर्ल्ड विथ केयर मतलब संसार की चिंताओं से वह मुक्त होता है और वो क्या है प्रिंसली लव आर बलगर ब्रीथ मतलब ना तो उसे राजकुमारों जैसे प्रेम की जरूरत होती है ना ही वह इसकी चिंता करता है कि उसके बारे में कोई क्या कर रहा है मतलब उसकी आलोचना कर रहा है वृत्त का मतलब उसके बारे में र्यूमर उठा रहा है तो यहां पर फिर से आप लोग देखिए हुज पैसेंस नॉट हिज मास्टर्स आर मतलब जिसका मनोवेग उसका मालिक नहीं होता अर्थात वह अपनी भावनाओं को अपने बस में रखता है हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ जिसकी आत्मा हमेशा मरने के लिए तैयार होती है अनटाइड अन टू द वर्ल्ड विथ केयर जो संसार से मुक्त होता है अर्थात संसार की परवाह नहीं करता ठीक आप लव आर वर्गर ब्रेथ की लोग उसे राजकुमारों जैसा प्रेम दें अथवा उसके बारे में र्यूमर उठवाए उसकी क्या करें उसको उसके बारे में अफवाह फैलाएं तो यहां पर आप लोगों को इतनी चीज देखना है आपका दो स्टेंजा होता है तीसरा स्टेंजा है जहां पर आप देखते हैं आपका टू लाइन्स यहां पर दिया गया है हु हैथ हिज लाइफ फ्राम र्यूमर्स फ्रील्ड हिज लाइफ लाइफ फ्राम र्यूमर्स फ्रील्ड हुज कंसाइंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट उसका जीवन लिखा है र्यूमर्स फ्रीड अफवाहों से मुक्त होता है हुज कंसाइंस कंसाइंस मतलब होता है उसके आत्मा की आवाज मतलब उसकी अंतरात्मा ही उसकी शरणस्थली होती है स्ट्रांग रिट्रीट मतलब जहां पर वो क्या लेता है शरण लेता है मतलब अपनी अंतरात्मा में ही वो अपनी शरण लेता है तो यहाँ पर आप लोग फिर से देखिए हु हैथ हिज लाइफ ठीक है? फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीट जिसका जीवन अफवाहों से मुक्त होता है हु जिसकी अंतरात्मा ही उसकी मजबूत शरण स्थली होती है जहां पर कि वह अपने को क्या पाता है सुरक्षित पाता है तो यहां टू लाइंस नेक्स्ट आप आगे देखते रहिए कंटिन्यू आगे देखिए यहां पर आपका लिखा गया स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड फ्लैटर्स फ्लैटर्स मतलब चापलूसी होती है समझ रहे हुज स्टेट जिसकी अवस्था हुज स्टेट का मतलब क्या होता है जिसकी अवस्था ठीक है कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड मतलब जैसे कहा गया वह अन्य की अन्य लोगों की चापलूसी से प्रभावित नहीं होता स्टेट कैन हुईदर्स फ्लैटर्स फीड नार मेक ऑपरेश ग्रेट और उसका विनाश दमन करने वाली दमन करने वालों को महान नहीं बना सकता है ठीक है अब यहां पर कहा उसका विनाश दमन करने वाले दमन करने वाले वालों को महान नहीं बना सकता है अब यहां पर देख लीजिए हुज स्टेट कैन नाइदर्स फ्लैटर फीड जिसकी अवस्था जो होती है हम कह सकते हैं वह अन्य लोगों की चापलूसी से प्रभावित नहीं होता तथा उसका विनाश या दमन करने वाले वालों को महान नहीं बना सकता मतलब कितना भी लोग उसका दमन करें लेकिन उनको क्या नहीं बना पाएगा अपना महान नहीं मानेगा आगे लिखा गया हुज हुएस नन हुम चांस डर्थ रेज नार वाइस हु नेवर अंडरस्टूड हाउ डीपेस्ट उन्स आर गिवन विथ प्रेज नार रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड अब देखिए हु इन वायस नन हु का मतलब कौन खुशहाल व्यक्ति हु इन वायस नन वह दूसरों से ईर्ष्या नहीं करता मतलब जो खुशहाल व्यक्ति है अब यहां से है हु इन वो कभी किसी से क्या नहीं करता ईर्ष्या नहीं करता जलन नहीं करता रेज मतलब जिनको मौका मिलता है या संयोग मिलता है किसका प्रगति का मतलब वो किसी प्रगति करने वाले व्यक्ति को देख करके ईर्ष्या नहीं करता नार वायस हु नेवर अंडरस्टूड और वह यह कभी नहीं समझता कि प्रशंसा के घाव कितने गहरे होते हैं ठीक है नार वाइस हु नेवर अंडरस्टूड ठीक है वह कभी यह नहीं समझता हाउ डीपेस्ट उन्स आर गिवन विथ प्रेज की प्रशंसा के घाव कितने क्या होते हैं गहरे होते हैं नार रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड अब जैसे कहा गया उसे राज्य के नियमों की चिंता नहीं होती बल्कि वह अच्छाई के नियमों को का पालन करता है ना रूल्स ऑफ स्टेट मतलब वह सरकार की के, के नियम का फॉलो नहीं करता बल्कि किसके नियम का फॉलो करता है अच्छाई के नियम का पालन करता है तो अब यहाँ पर आप लोगों को ये देखना है जैसे वाइस मतलब क्या होता है वी आई सी लिखना बुराई ठीक है वह कभी ही इन वॉइस नन होम चांस डर्थ रेज नार वाइस मतलब वह कभी किसी की बुराई नहीं करता ना किसी की देख के क्या करता है जलन करता है जो क्या हो जाते हैं जिनको बढ़ने का मौका मिलता है प्रशंसा के कि कितने भी घाव दिए जाएं वह उसे कभी नहीं समझता है वह रूल मतलब सरकार के शासन से शासित नहीं होता बल्कि अच्छाई के शासन से शासित होता है यहाँ से आपका है से लेकर कहां तक बट रूल्स ऑफ गुड तक आगे देखिए हु गाड डोथ लेट एंड अर्ली प्रे मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लेंड हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे विथ अ वेल चूजन बुक आर फ्रेंड लिखा हु गाड डोथ लेट एंड अर्ली प्रे अब यहां पर देखिए आप चलते हैं इस स्टैंड पर मतलब वह प्रातः तथा स्वयं स्वयं काल लिखा है हु गॉड डॉट एंड अर्ली प्रे मतलब प्रातः काल और स्वयं काल ईश्वर की क्या करता है प्रार्थना करता है मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लेंड मतलब उसकी कृपा क्रिप, प्राप्ति के लिए वह किसी फल प्राप्त की इच्छा से नहीं करता है मोर ऑफ ग्रेस मतलब कि ईश्वर की कृपा बनी रहे उसके ऊपर इसके लिए ना कि ईश्वर उसे क्या दे? गिफ्ट दे. मतलब वह गिफ्ट के लिए प्रार्थना नहीं करता बल्कि ईश्वर की कृपा के लिए क्या करता है ईश्वर की प्रार्थना करता है मतलब कि खुशहाल व्यक्ति देर अथवा शाम तक मतलब सुबह अथवा शाम भगवान की प्रार्थना करता है भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए ना कि उससे गिफ्ट प्राप्त करने के लिए हु टेंस द हार्मलेस डे विथ अ वेल चूजन बुक आर फ्रेंड हु इंटर इंटरटेन्स जो आनंद लेता है जो क्या लेता है आनंद लेता है ठीक है द हार्मलेस डे मतलब पूरे दिन विथ अ वेल चूजन बुक आर फ्रेंड अच्छी किताबों के बीच में अथवा अच्छे मित्रों के बीच में यहां तक आपका हो गया अब देखिए दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइवल बैंड और जो ये आदमी होता है ना वो क्या होता है दासों के समूह से मुक्त होता है दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइवल वैंड ऐसा व्यक्ति गुलामी के बंधनों से मुक्त होता है होप टू राइज आर फेयर टू फॉल इस भय से कि वो क्या हो जाएगा एक दिन ऊपर उठ जाएगा अथवा वो क्या हो जाएगा नीचे गिर जाएगा मतलब उसे ऊंचे उठने अथवा नीचे गिरने का भय नहीं रहता लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ अपना खुद का स्वामी दो नॉट ऑफ लैंड्स यद्यप कि उसके पास क्या नहीं है भूभाग नहीं है जमीन नहीं है एंड हैविंग नथिंग ही कुछ ना होते हुए भी उसके पास क्या होता होता है है सब कुछ एंड हैविंग ही हैथ आल कुछ ना होते हुए भी उसके पास बहुत कुछ होता है तो यहाँ तक आप लोग इसको पढ़िएगा दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइवल बैंड या आदमी दासों के बंधन से मुक्त होता है अर्थात दास नहीं होता दासता की जंजीर से बधा नहीं होता आप होप टू राइज आर फेयर टू फॉल इस आशा में कि वह ऊँचे उठ जाएगा या नीचे गिर जाएगा लॉर्ड ऑफ हिमसेल अपना खुद का स्वामी होता है दो नाट ऑफ लैंड्स यद्यपि उसके पास भूभाग नहीं होता एंड हैविंग नथिंग ही हैथ आल उसके पास कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ होता है तो यहाँ तक आप लोग क्या करेंगे पहले इसका हिंदी अर्थ समझेंगे तो इसके बाद आप लोगों को हम एक्सप्लेनेशन एक एक करके भेजेंगे और सेंट्रल आइडिया भी भेजेंगे तो पहले आप लोग हिंदी मीनिंग समझिएगा इसके बाद एक्सप्लेनेशन की मतलब एक्सप्लेनेशन की अलग वीडियो आपको भेजेंगे इंपॉर्टेंट जो पैराग्राफ होगा ओके थैंक यू फॉर दिस क्लास